हेलो फूडीज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अमन्स किचन एंड व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोटी हरी मिर्ची का अचार बनाने जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी दिन से लोगों की डिमांड आ रही थी कि अचार की रेसिपी डालो, क्योंकि मेरे गलगल की अचार की रेसिपी लोगों ने काफ़ी पसंद की है, तो मैंने सोचा आज अचार की रेसिपी डालते हैं। मैं आज फ्री हुआ था, काफ़ी दिन से कैटरिंग का सीज़न चल रहा था, तो आज मैं फ्री हूँ तो सोचा अचार बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है 1.5 किलो हरी मिर्ची। इसको मैंने अच्छे से धोकर ना धूप में सुखा लिया है, ताकि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा तो अचार ना खराब हो जाता है। तो उसको हमने 2-3 घंटे धूप में सुखा लिया, और इसमें ना ऐसे कट लगा लिया था चाकू से। देखिए, ऐसे एक तरफ से हमने कट करना है, ऐसे सारी मिर्चों को मैंने कट कर लिया है। देखिए, और दिखाता हूँ हमने स्पाइसेस में क्या लिया है। यहाँ पर लिया हमने धनिया एक छोटी कटोरी, जीरा छोटी कटोरी, सौंफ छोटी कटोरी, अमचूर मैंने थोड़ा सा लिया है 2 चम्मच, राई छोटी कटोरी, हल्दी छोटी कटोरी, नमक छोटी कटोरी, और ये साथ में लिया हमने सरसों का तेल। इसको मैंने अच्छे से जला लिया है। तो चलिए हम अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं, इंडक्शन करते हैं ऑन। इसमें हम डालते हैं धनिया, जीरा, सौंफ और राई। इसको बस हमने हल्का सा पकाना है, ताकि जितना भी मॉइस्चर है इसमें मसाले में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बड़े अच्छे से पिस जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया है। जो राई हमने डाली थी ना, वो कैसे पॉप हो रही है, देखिए आप कैसे वो पॉप होकर ऊपर आ रही है। बस हमने हल्का सा और भूनना है, और फिर इसके बाद उसको हमने पीसना है अच्छे से। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। लीजिए, मसाला हमारा भुन गया। अब हम करते हैं इंडक्शन को बंद, हमें ज़्यादा नहीं जलाना है इसको। अब हम थोड़ा ठंडा करते हैं इसको, पीसते हैं। दोस्तों, मसाला हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो चलो अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। इसको डालते हैं मिक्सी में। मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है, हमें ऐसे चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। तो चलिए अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं एक बाउल में। इसमें डालते हैं हल्दी, नमक,
चम्मच और सरसों का तेल, अब बस हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से। दोस्तों मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा है तो तेल हम और डालते हैं इसमें। लगभग 1.5 कटोरी तेल ले लिया हमने, 150 ग्राम के करीब। तो अच्छे से मिक्स करते हैं अभी। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, बस इसको मिर्ची के अंदर फिल करना है। ऐसे मिर्ची को ले, ऐसे मिर्ची को खोलना है और ऐसे डालना है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कम या ज्यादा। ऐसे रखते रहे बाउल में, धीरे धीरे करके हमने सारी मिर्ची फिल कर लेनी है अपनी। दोस्तों जब आपकी सारी मिर्ची फिल हो जाए, आपने इसको किसी जार में डाल लें और बस 2-3 दिन तक धूप में रखें और ये अचार आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आप इसको 1-2 साल तक अच्छे से खा सकते हैं, खराब नहीं होगा। तो चलिए मैं सारी मिर्ची फिल करता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने सारी मिर्ची फिल कर ली है और मैंने एक जार ले लिया है यहाँ पर। हम इसको जार में डालते हैं, बस इसको 2-3 दिन हमने धूप में रखना है और बस फिर आपका अचार तैयार है। आप इसको सालों साल खाएं। दोस्तों अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।